लूकस की अंजील उसका 2:10-11 आयत। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। संत लूकस की अंजील उसका 2:20 आयत। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। संत योहन की अंजील उसका 1:14 आयत। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। खुदावन यीशु की पैदाइश हम सबको उसे सचमुच पहचानने और गहराई से जानने और उसके समान रहन करने वाले बनने में हमें बहुत सारे फजल दे। आज हमने बड़े दिन की तीनों पाखमास के कुछ आयतें सुनी हैं। आगमन के चारों इतवारों में हमने माँ मरियम, संत यूसुफ, एलिजाबेथ और योहन के बारे में जानकारी हासिल की थी और उनके समान यीशु की पैदाइश की तैयारी करने की कोशिश की थी। चारों इतवारों की तैयारियों के मुताबिक आज हमें प्रभु यीशु को सच्चे तरीके से अपने दिलों में बसाना है और प्यार, खुशी और अमन का पैगाम सबको देना है। तो प्यारे दोस्तों, बड़े दिन के लिए हमारा पहला छोटा कदम है फरिश्तों के जैसे प्यार और खुशी का पैगाम सुनाना है। बड़े दिन के मौके पर फरिश्ते हर जगह दिखाई देते हैं, घरों में, चर्च में, चरनी में, गलियों में और हर बाजार में। फरिश्तों के बिना बड़ा दिन ही अधूरा है। फरिश्ते खुदा के पैगाम सुनाने वाले हैं इंसान को और दुनिया के हर कोने में खुदा के प्यार, खुशी, माफी, रहम और अमन का संदेश लाने वाले हैं। आज के दुख और गरीबी, लड़ाई और झगड़े, भूख भरी बीमारी से भरे हमारी दुनिया को बचाने हम में से हर एक ईमानदार को फरिश्ते का काम करना जरूरी है। हर बुरे रास्ते और आदतों को छोड़ के एकता और प्यार, मेहनत और कामयाबी, इज्जत और कुर्बानी के वसूलों को अपनाना है। कभी हार नहीं मानने वाले और हमेशा खुदा के नाम पर खुश रहने वाले फरिश्ते बनना है, तभी हम अपने आप को नेक और ईमानदार ईसाई कहलाने लायक बनेंगे। हमारे दूसरे छोटे कदम में हमें गरीब और अनपढ़ गडरियों के जैसे ईमान और खुशी से आगे बढ़ना है। फरिश्ते का पैगाम सुनते ही वे गरीब, अनजान और अजनबी चरवाहे घबरा कर भाग नहीं गए, अपने अपने मुश्किल काम में डूब नहीं गए, दुखी होकर हमारे जैसे नसीब पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि खुदा के पैगाम पे ईमान रखा, खुशी से उस पैगाम को देखने और खुदा की बरकत हासिल करने निकल पड़े। बड़े दिन की बरकत पाकर हमें भी गरीब गडरियों जैसे ईमान, भरोसे और प्यार से जीना है। डर, दुख और परेशानी से अपने दिल को आजाद करना और खुदा की मेहरबानी और खुशी, प्यार और इज्जत को पाने निकल पड़ना है और खुदा के वरदानों से भरपूर जिंदगी जीना है। हमारे तीसरे छोटे कदम में हमें पूरी सोच, विचार और समझदारी से अपने इज्जत भरे ईमान को मजबूत करना है। अंजील में हमने सुना, पाकवचन जसम बना और हमारे बीच में वास किया। ये हमारे ईमान का सबसे बड़ा राज है। खुदा हमारे गुनाह और बेबस जिंदगी की हालात देखकर हम पर रहम करता है और हमें बचाने, हमें नेक और इज्जत वाली जिंदगी देने हमारे जैसे गरीब और कमजोर बनता है और हमें नेक रास्ता दिखाता है, ताकि हम में से कोई भी अपनी हालात से दुखी होकर हार ना माने, खुदा का दिया हुआ ईमान, भरोसा और इज्जत को ना खो दे और खुदा को या अपने नसीब को ना कोसे, दूसरों को या दुनिया को या खुदा को अपनी कमजोरी के लिए जिम्मेदार ना ठहराएं। प्यारे दोस्तों, सचमुच आज भी यीशु हमारे दिल में जन्म लेने के लिए तरसता है और हमारी कमजोरियों को ताकत और इज्जत में बदलना चाहता है। अपने इस रहम करने वाले खुदा को प्यार से पहचाने और उसको अपनी जिंदगी में जगह दे और हमारे दिखावे, धन दौलत और दुनियावी खुशियों के लिए तरसने वाली गुलामी जिंदगी से आजादी पाएं और अपने ईमान को मजबूत करें। बड़े दिन की खुशी हम सबको खुदा के सच्चे
और प्यारे बच्चे बनने में मदद करें और हमारे दिलों को अपने रहम से भर दें।